कट हो गया था ना कनेक्शन। अब आप मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, मुझे फटाफट से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करके दिखाओ। क्वेश्चन टू डाल देना। अंडर रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो। इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। ध्यान रखना नॉर्मल फॉर्म को परपेंडिकुलर फॉर्म भी कहते हैं। इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। करेक्ट। एकदम करेक्ट। कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, दूसरा वाला पहले वाला? पहले वाला ठीक है, वो ज्यादा आसान है। पहले वाला मेथड थोड़ा सा ज्यादा आसान है। क्या करना है पहले वाले मेथड के अकॉर्डिंग बताओ इसमें जरा। पूरी क्वेश्चन को सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले एट को उधर भेजो। अब बताओ पूरी क्वेश्चन किससे डिवाइड करेंगे, अंडर रूट रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो गया, कितना आ गया सॉल्व करके, टू से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, फर्स्ट टर्म अंडर रूट थ्री बाय टू एक्स, सेकेंड टर्म वन अपॉन टू वाई इक्वल टू फोर हो गया। बस अब ये सोचना है, बस टेंथ क्लास का ट्रिग्नोमेट्री लगाना है थोड़ा सा। अंडर रूट थ्री बाय टू कॉस में कहां पे होती है बात, 30 डिग्री, और साइन में भी 30 पे होती है, तो फॉर्म बन गई बस एक्स कॉस 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री इक्वल टू फोर। डन। चलो जी, अब जितना आपने सीखा है इस चैप्टर में उसके स्किल्स टेस्ट करते हैं। ये ना कर दूं, अभी भी बताऊं मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, कॉम्पिटिशन लेवल की चार पांच चीजें सिखानी थी, लेकिन मैं इसको भी स्टॉप करूंगा वरना ये सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है इसका, अभी ऊपर से जंप करना शुरू हो जाएगा। जब इसको रिवाइज करेंगे तब बताऊंगा वाले पॉइंट्स आपको। हाँ बोलो, इसी का ये लो, एक और कर लो जी। एक और कर लोगे, एक्स प्लस अंडर रूट थ्री वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो, कन्वर्ट कर दो नॉर्मल फॉर्म में। बिल्कुल परपेंडिकुलर की लेंथ नेगेटिव नहीं ले सकते, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस से, माइनस साइन से। भाई आपका पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप पे भी कांस्टेंट को उधर भेजेंगे, इस बार कांस्टेंट उधर जाके माइनस का हो गया, अब इसका माइनस साइन खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस साइन से, तो ये माइनस एक्स हो गया, ये माइनस रूट थ्री वाई हो गया, ये प्लस का एट हो गया। ठीक है, अब बताओ डिवाइड किससे करना है पूरी इक्वेशन को, टू से करना है, चेक कर लिया आपने, मैं टू से कर रहा हूं फिर डिवाइड। यस सर। माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू वाई इक्वल टू एट अपॉन टू। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब इसमें क्या है क्वेश्चन में, यहां जो x के साथ कोफिशियंट है वो माइनस है और y के साथ भी कोफिशियंट है जो माइनस है, ये कॉस की वैल्यू है ये साइन की वैल्यू है, ये बात को हम जानते हैं। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा क्वाड्रेंट सोचेंगे, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है
जहां पे कॉस भी नेगेटिव होता है और साइन भी नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा और फोर्थ में टू पाई माइनस थीटा। ये तरीका होता है किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर एंगल को फाइंड करने का। आपको एंगल फाइंड करना है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपको पता चल गया पाई प्लस थीटा करना है मुझे। अब ये थीटा कहां से लाओगे, ये थीटा कहां से मिलेगा? दोबारा बताओ उसे। टेन अल्फा आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, वो पॉजिटिव आ जाएगा। वो आपको ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढना होगा जहां पे टेन पॉजिटिव है, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। टेन पॉजिटिव आपका फर्स्ट में भी है और टेन पॉजिटिव थर्ड में भी, तो फिर कौन से क्वाड्रेंट होंगे? फर्स्ट वाला होंगे, थर्ड वाला होंगे, वही। इसलिए मैंने कहा सीधा यही देख लो, कॉस और साइन दोनों जब नेगेटिव आ रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है हमें, इसका मतलब। अब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल पड़ा हुआ है पाई प्लस थीटा, हमें थीटा ढूंढना है इसके अंदर। अच्छा ये बताओ, कॉस में जब हाफ वैल्यू होती है तो कितने डिग्री एंगल पे होती है? 60 डिग्री एंगल पे होती है। 60 डिग्री का मतलब मालूम कितना होता है रेडियंस में? पाई बाई थ्री। प्लस करके बताओ कितना एंगल मिला? 4 पाई बाई थ्री। लो हो गया सॉल्व। एक्स के साथ हम क्या लिखेंगे? कॉस 4 पाई बाई थ्री। प्लस वाई के साथ क्या लिखेंगे? साइन 4 पाई बाई थ्री। और ये कितना बन जाएगा? 4। बिल्कुल डिग्री में कर लो, डिग्री में कर लो। ये होता है 180 डिग्री और ये होता है आपका 60 डिग्री। कितना डिग्री एंगल बन गया टोटल? 210 डिग्री। देख लो यहाँ पे, ये लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर हो गया x cos 210 डिग्री, y sin 210 डिग्री इक्वल टू 4। ये की बात है, डिग्री में लिखना, रेडियस में लिखना, ठीक है? नहीं, क्वाड्रेंट में तो आपको जाना पड़ेगा क्योंकि इस माइनस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। आप कह रहे हो हमने इस पहले कॉमन रख लिया, ठीक है, उसके बाद आपने पहले वैल्यू निकाल ली आपने, तो वैल्यू आ गई आपकी, वही आ गई 60 डिग्री आ गई। हाँ, तो अब इस माइनस का क्या किया फिर आपने? तो आपकी फॉर्म क्या बनी? माइनस कॉस 60 डिग्री माइनस वाई साइन 60 डिग्री। नहीं, गलत हो गई। आपका जो लाइन होगी ना, अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे जब ड्रॉ करोगे तो ये लाइन मालूम कैसे बन रही होगी? देखो, ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर, ये एक्स एक्सिस से कितना डिग्री रोटेट करेगा? 210 डिग्री। ये यहां से गया 90 डिग्री, यहां से गया 180 डिग्री और नीचे आएगा 30 डिग्री। ये पूरा एंगल ये आएगा परपेंडिकुलर, ये पूरा एंगल कितना होगा? 210 डिग्री। और आपकी लाइन कहां पे होगी? लाइन आपकी ऐसे जा रही होगी, ये लाइन होगी। तो परपेंडिकुलर पूरा यहां से यहां तक रोटेट करके आया 210 डिग्री, तो आपकी लाइन ऐसे बनी। अगर हम आपके अकॉर्डिंग चलते हैं तो उसमें आपकी इक्वेशन है माइनस एक्स कॉस 60 डिग्री माइनस वाई साइन 60 डिग्री इक्वल टू 4। अब इसका परपेंडिकुलर कितने एंगल पे होगा सोचो? इसका परपेंडिकुलर हम एंगल निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों साइन आपके माइनस में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं करना है कि माइनस को बाहर कॉमन रखकर इग्नोर कर दें और बाद में माइनस को अंदर ले जाएं, तो वो प्रॉपर फॉर्म नहीं आए। माइनस को अंदर ही ले जाना पड़ेगा और वहीं से एंगल निकालना पड़ेगा। गॉट इट? बोलो क्लियर है? एक और दे दूं, आगे चलते हैं। अभी आएगा क्वेश्चन दे दूंगा मैं, वरना मेरे आज के क्वेश्चन रह जाएंगे। आपके सामने एक फिगर दूंगा और आप मुझे उस फिगर से तीन चार क्वेश्चन के आंसर बताएंगे भाई। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, यहां पर एक लड़का बैठा हुआ है, उसका नाम है ऋषभ। जिस पॉइंट पे वो बैठा हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 4। इसके बाद यहां पर नीचे शुभम बैठा हुआ है, शुभम के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2। फिर यहां पर है विक्रम,
इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 2, और यहां पर एक और दोस्त बैठा हुआ है राजकुमार, राज लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये चार दोस्त हैं रेक्टेंगुलर गार्डन के चार कॉर्नर पे ऐसे बैठे हुए, ठीक है। रेक्टेंगल का नाम भी दिया हुआ, बता देता हूं आपको, ए बी सी डी। अब तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी समझने में, अब तक तो कुछ दिया ही नहीं मैंने। अब अपना क्वेश्चन सुनो, द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय नंबर वन, इक्वेशन फॉर्म्ड बाय शुभम एंड राजकुमार, शुभम एंड राजकुमार, अगर शुभम से राजकुमार की लाइन को ऐसे ज्वाइन कर ले तो मुझे आपको इसकी इक्वेशन निकाल के देनी। करो, इक्वेशन बना लो, मुझे बता देना। मेरे पास चार ऑप्शन है, मैं आपको एक ऑप्शन देख लूंगा कौन सा, कैसे बनाओगे ये आपको देखना है। शुभम और राजकुमार को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन, इधर आया किसी का आंसर? सौमृता, श्रेया, वंश, आशुतोष, x माइनस टू वाई प्लस थ्री ऑप्शन है, एक सी ऑप्शन है, ये आ रहा है। मेरे पास एक्चुअली चार ऑप्शन अवेलेबल है, ए बी सी डी, डी इसमें नन ऑफ दीज है। जल्दी बताओ भाई, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, नहीं आ रहा तो पास करो ना। इसका मतलब हमें पिछले कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक लाइन दो पॉइंट से जा रही है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। एक पॉइंट आप अपना मान लोते, अपना पॉइंट क्या होता है आपका, जब आप मानते होते एक्स वाई, आप एक्स वाई से इनमें से किसी भी एक पॉइंट का स्लोप निकालोगे, 1, 2 का निकालोगे। निकालता हूं देखो मैं, क्या लिखेंगे, वाई माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन। इस लाइन का एक पॉइंट लिया एक्स वाई, उससे शुभम का स्लोप निकाल दिया। अब बताओ इक्वल टू में कौन सा स्लोप निकालोगे? अब राज और शुभम का स्लोप निकाल निकाल लेते हैं। देखो 4 माइनस 2 मतलब के 2 हो गया, अपॉन 5 माइनस 1 4 हो गया। लो बन गई इक्वेशन। कितनी देर लगी इसमें, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स माइनस वन इक्वल टू 2y माइनस 4, 2y को इधर माइनस में भेजो और 1 को उधर भेज दो प्लस में, तो ये हो जाएगा -3। ये लो बन गई इक्वेशन। कौन सी फॉर्म होती है बताना जरा, ये इस फॉर्म का नाम बताओ, 2 पॉइंट फॉर्म होती है। भाई नाम भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो हम जनरल वे में कर रहे हैं, लेकिन नाम होती है जब 2 पॉइंट से लाइन पास करती है, तो इसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर रहे हैं। भाई क्लियर या नहीं हुआ? क्लियर, क्लियर हो गया सबको? अब आप मेरे को दूसरी क्वेश्चन बना के दिखाओ फटाफट से, ऋषभ और विक्रम की, ऋषभ और विक्रम की फटाफट से क्वेश्चन बना के दिखाओ। ऋषभ और विक्रम को जो ज्वाइन करती है लाइन, उसकी इक्वेशन। अरे फैन ऑफ कर दूं, ऐसा ना हो तो बंद हो जाए। डन, बताना क्या बनी बेटा? है ऑप्शन एक्स प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। अभी दोनों का ले लो स्लोप, विशाल का लेते हैं 4 माइनस 2। नहीं नहीं, एक मिनट, ऊपर पहले y आएगा, तो 4 माइनस 2 लिख लो सीधा, और नीचे 1 माइनस 5 माइनस 4। मेरा 2x आ रहा है, इक्वेशन आ रही है 2x,
सॉरी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू नाइन। भाई तो बहुत सिंपल है, देखो ना अब आप इसको इसकी इक्वेशन बना रहे हो, तो y माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस वन, मैंने ये वाला पॉइंट लिया है, फिर इक्वल टू में फोर माइनस टू अपॉन वन माइनस फाइव, टू से वन, टू से टू क्रॉस मल्टीप्लाई, वन एक्स माइनस वन, ये वन एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस टू वाई प्लस एट, ये माइनस टू मल्टीप्लाई हुआ है, इक्वेशन आ गई एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू नाइन, ये लो बन गई। भाई बोलो यस और नो, सेम तो था। अब तीसरा तीसरा सुनो, चलो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अबव टू, अब ये जो दो लाइन मीट कर रही हैं, इसका ये वाला पॉइंट बताओ जल्दी से, कैसे निकालेंगे बताना, मिड पॉइंट से। रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं तो फिर निकाल सकते हैं। ये वाला पॉइंट पी चाहिए, क्वेश्चन में शुरू में बोला था कि एक रेक्टेंगल है ये, थ्री कॉमा थ्री, यस ऑप्शन में है, हाँ किसी से भी निकाल सकते हो, इसका मिड पॉइंट निकाल लो या तो ऋषभ और विक्रम का या राज और शुभम का मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट लगाना आता है ना सबको, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे फाइव में वन प्लस किया सिक्स और आधा कर दिया तो थ्री हो गया, फिर फोर में टू प्लस किया सिक्स आधा कर दिया थ्री हो गया, तो पॉइंट हो गया थ्री कॉमा थ्री, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, ऋषभ और राजकुमार को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, चौथा पार्ट है, ऋषभ और राजकुमार को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका स्लोप बताना है आपको। स्लोप सर दोनों स्लोप को इक्वेट कर देंगे आ जाएगी। अरे सीधा सीधा इसी से निकालो ना स्लोप, ये दो पॉइंट है ना, देखो दो पॉइंट से स्लोप निकाल लो कितना आएगा बताओ, सीधा स्लोप, इक्वेशन नहीं मांग रहा मैं आपसे, स्लोप ऐसी बता दो, फोर माइनस फोर जीरो और फाइव माइनस वन फोर, कितना स्लोप है इसका जीरो। अच्छा बताना अगर इसका स्लोप जीरो है तो इसका क्या होगा, क्यों इसका क्यों जीरो, क्योंकि ये पैरेलल है। अच्छा इसका स्लोप बताना बिना निकाले, निकालना नहीं है, नहीं इसका जीरो है तो इसका नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि दोनों के स्लोप एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये परपेंडिकुलर लाइन है आपस में, अगर इसका स्लोप फाइव आता है तो इसका स्लोप होता है माइनस वन अपॉन फाइव, उल्टा हो जाता है और साइन चेंज हो जाता है, जीरो का उल्टा करते ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसका, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस पे शायद बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है। एनीवेज क्वेश्चन के लिए बहुत सिंपल था बिल्कुल, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। केस स्टडी है ये, मैं आपको कॉपी करके दे दूंगा सर, आपको आइडिया दे लगे जो सीखा यूज कैसे कर रहा हूं, बहुत हाई फाई क्वेश्चन तो है नहीं। ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लो भाई, एबीसी ऊपर ए है और नीचे बेस बी सी है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेना वन फोर है, बी के लिख लेना टू कॉमा माइनस थ्री है, सी के लिख लेना माइनस वन कॉमा माइनस टू है, यहां पे एडी मीडियन है, एडी इज द मीडियन, मीडियन हमेशा मिड पॉइंट आके मीट करती है, एंड ये जो एएम है ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये मीडियन है, बना ली फिगर, सब लिख लिया। अपना पहला क्वेश्चन सुन लो, आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ओ कितना आसान क्वेश्चन दिया, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, जल्दी से बता दो, टेंथ क्लास का क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, अंडर रूट 40 ऑप्शन में है, क्या बोले कौन डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास में नहीं करते थे,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 पहले माइनस है 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर रूट 40 माइनस 2 यस 6 का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा देते हैं अंडर रूट 40 सर है ना सिंपल 10th क्लास वाला फॉर्मूला। अपना दूसरा क्वेश्चन सुन लो इसी फिगर से दूसरा क्वेश्चन स्लोप ऑफ बीसी आसान आसान क्वेश्चन पूछे हैं भाई बड़े स्लोप ऑफ बीसी लाइन गिरी लाइन आपके सामने है कितना आ माइनस मेरे पास चार ऑप्शन है भाई एक है माइनस 4/3 एक है माइनस 1/3 एक है माइनस 3/2 एक है माइनस 3/4 सिर्फ माइनस 1/3 माइनस 1/3 आपका ऑप्शन बी मैच होता है स्लोप पे तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए कोई भाई माइनस 2 में से इसको माइनस कर लो चाहे माइनस 3 में से इसको माइनस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे तो क्या आएगा देखो माइनस 3 में से इसको माइनस किया पहले माइनस से प्लस हो गया अब डिवाइड में 2 में से इसको माइनस कर लो ये भी पहले से माइनस है प्लस हो गया सॉल्व कर लो कितना आ रहा है स्लोप माइनस 1/3 अगला क्वेश्चन सुन लो फाइंड द इक्वेशन थर्ड पार्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी ये जो एडी मीडियन है अब जरा इसकी इक्वेशन बना के दिखा दो इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी एडी इक्वेशन निकालने के लिए आपको पॉइंट डी निकालना पड़ेगा पहले और डी पॉइंट कैसे निकलेगा ये देख लो अपने आप ये मीडियन बोला ही था मैंने मीडियन है अगर आप डी पॉइंट निकाल लेते हो तो इक्वेशन बनने में टाइम ही लगेगा तो बस निकाल लो तो अभी कह रहा था मैं ऐसे क्वेश्चन देखो एक बार फिर से बोलना बेटा ऑप्शन है ये सी ऑप्शन मैच होगा सर 13x-y-9 यस यही ऑप्शन मैच हो रहा है मतलब एक ऑप्शन में ये है तो ये ठीक होगा इसका मतलब ये रब कर रहा हूं भाई ये मतलब भाई क्या हुआ जल्दी बताओ निमान अच्छा डी निकाल लोगे निमान ये बताओ मिड पॉइंट फॉर्मूले से अगर ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट तो होगा बी और सी का तो पहले मुझे डी बोलो डी क्या होगा 2 में माइनस 1 ऐड करो 1 रह गया हाफ कर दो डिवाइड 2 माइनस 3 में माइनस 2 ऐड करो माइनस 5/2 ये रहा डी पॉइंट अब ए पॉइंट ये रहा पहले से है अब एक पॉइंट अपना मान लो इसके ऊपर एक्स वाई वाई में से माइनस किया मैंने 4 और नीचे एक्स में से माइनस किया 1 इक्वल टू अब मैं निकालूंगा इन दोनों से इसको 4 में से इसको माइनस किया पहले माइनस है प्लस हो गया फिर 1 में से इसको माइनस किया तो ये 1-1/2 हो गया इसको सॉल्व कर लो इक्वेशन आ जाएगी ये तो वही कॉन्सेप्ट आ गया ना दो पॉइंट से लाइन पास करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी जल्दी से निकालो भाई विनीत VINEET स्पेलिंग कौन नाम विनीत है ना स्पेलिंग VINIT है या NEET है डबल थर्टीन एक्स माइनस वो भी बताना क्या है 13x-y-9=0
श्रियांशु आपका नाम क्या है? गणेश DHANESH न्यूमेरिकल बात हुई थी मैं भूल गया था नाम क्या बेटा आपका हो गया भाई सबका हो गया अब अपना अगला क्वेश्चन सुन लो जल्दी से करना find the equation of the altitude through A. ये जो AM दिख रहा है ना इसकी equation चाहिए find the equation of the altitude A. इसकी equation चाहिए ये altitude आ रहा है perpendicular है तो वो वाला लग जाएगा हाँ परपेंडिकुलर है तो बन जाएगी इक्वेशन अच्छा एक बात बताओ बीसी का स्लोप क्या है बन गई इक्वेशन इक्वेशन में देख लेता हूं पी एक्स माइनस वाई पहला ही ऑप्शन है ये मैच हो रहा है बीसी का स्लोप सर एक्स प्लस टू है माइनस नाइन हाँ मेरे को यही पूछना था बस जैसे बीसी का स्लोप अगर हम देख रहे हैं तो ये लिखा हुआ है निकाला था हमने एक पार्ट में अगर ये बीसी का स्लोप है तो आप मुझे AM का स्लोप डायरेक्ट बोल सकते हो सर M1 into M2 is equal to यस डायरेक्ट बोल दो स्लोप ऑफ AM equal to 3 माइनस 3 नहीं माइनस भी नहीं माइनस तो पहले है ना माइनस हट जाएगा और AM का एक पॉइंट ये लो ये अवेलेबल है AM9 इस पॉइंट से पास हो रही है ये पॉइंट अवेलेबल है अब बताओ क्या करना है स्लोप भी है पॉइंट भी है एक पॉइंट अपना रख लो आप तो उससे इसका स्लोप निकालो y माइनस फोर अपॉन x माइनस वन इक्वल टू रख दो 3 के लो बन गया इक्वेशन कॉन्सेप्ट वही है जो सीखे हुए लेकिन उसको हम मिक्स करके यूज कर रहे हैं क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ बस इक्वेशन पूछिए नहीं कुछ नहीं अगर ये कोऑर्डिनेट्स पूछे गए तो मालूम क्या कर रहा होगा नहीं नहीं अगर अच्छा वो जो मैंने आपको बताया था जो शॉर्टकट था उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले बीसी की इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसकी इक्वेशन बनाने के बाद आप ये पॉइंट निकाल सकते हो वो जो पैर वाला फॉर्मूला था क्या क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया इसका आंसर आ रहा था 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एक और बस ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ये एक लाइन जा रही है ऐसे यहां पर एक पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 90, 95, 92 इसके ऊपर एक और कोऑर्डिनेट है सॉरी ये 85 है 1985, 92 इसके ऊपर एक और पॉइंट है 1995, 97 और इसके ऊपर एक और पॉइंट है यहाँ पे सी पॉइंट ये है 2010, P थोड़ा कैमरा से कट रहे पहले बताओ ये तीनों पॉइंट को क्या बोलते हैं जब कोलिनियर पॉइंट है एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं
अगर मैं कुछ ना बोलूं आपसे, बस ये बोल रहा हूँ कि कोरिनियर है, तो आप मुझे वाला पी बता सकते हो, पी निकाल सकते हो, निकाल के बताओ। चलो पी, पहला क्वेश्चन यही है मेरा, द वैल्यू ऑफ पी बताओ। पॉइंट तीनों कोलिनियर है, एक लाइन के ऊपर आ गए। एक लाइन के ऊपर तीन पॉइंट है, तो मालूम क्या करना है, एक बार इससे स्लोप ले लो इनमें से किसी एक का जिसका लेना चाहो, और एक बार स्लोप ले लो इन दोनों से, और दोनों स्लोप को इक्वेट करो, क्योंकि लाइन तो सेम है, स्लोप अलग थोड़ी होगा कोई, बस पी निकल आएगा। ये तो करते हैं कोलिनियर में, सी पॉइंट से बी का स्लोप ले लो या ए का स्लोप ले लो, चॉइस आपकी है, और एक बार स्लोप ले लो ए और बी से, अपना पी निकाल लो, जैसे इक्वेशन बनाते हैं। कितना दोबारा बोलना, ऑप्शन में है 99.5 का ऑप्शन नहीं है, 104.5 है ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन तो देगा यही आ रहा है, तो सिंपल हो गया। अच्छा, इससे किसका स्लोप ले रहे हो, बी का ले रहे हो ए का ले रहे हो, ए का ले रहे हो, ले लो फिर पी माइनस 92 बोलना, डिवाइड में कितना, 2010 में से 1985 माइनस करता हूँ 25, चलो इक्वल टू में, अभी दोनों से ले लो स्लोप पे, 97 माइनस 92 5, और 1995 में 85 10, ये 5 से कैंसिल हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब मुझे इसकी इक्वेशन बना के बता दो। चल इक्वेशन ऑफ लाइन ए दी, ये जो लाइन जा रही है ना, इसकी इक्वेशन बता दो। चलो किसी भी, बहुत सारे पॉइंट अवेलेबल है हमारे पास, जो यूज करना है करो, इक्वेशन सेम आई, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वल टू में एक और स्लोप ले लो, ये रहा ना, ये ले लो 5 अपॉन 10 अभी दिया था, ये ले लो, x माइनस 5 ऑफ द, नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, सेम आ रही है भाई। आप क्या करेंगे, इक्वेशन बनाने के लिए एक पॉइंट अपना ले लिया, वाई में से मैंने माइनस कर लिया 92, नीचे मैंने एक्स में से माइनस कर लिया 85, इक्वल टू ले लिया, इन दोनों का स्लोप दिया था यहाँ पे, ये रहा 5/10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स माइनस 1985 इक्वल टू 2y माइनस 184, एक्स माइनस 2y को इधर भेजो, 1985 को इधर भेज दो, या आ रही है क्या चेक करना, ये बोल रहे हो ना आप भी, ठीक है, इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, मतलब तीन ऑप्शन है, तीनों अलग अलग है, अब आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी नहीं करना है, पहले आप इससे ना सारे कॉन्सेप्ट याद कर लो, एक बार और याद कर लो, स्लोप कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट से थीट एंगल दिया होता है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है, स्लोप इक्वल होते हैं, लाइन परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, क्या होता है, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, उसके बाद अगर एक पॉइंट होता है एक स्लोप होता है, हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, आपके सामने चल रहा है, दो पॉइंट होते हैं तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होती है, ये हमने कर लिया ना, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसके अलावा आपको मेरी फिर गारंटी, अगर ये याद हो जाए कॉन्सेप्ट आपको, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ आज चैप्टर को, अभी रिवीजन में होगा दोबारा, मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास से लिमिट्स चैप्टर, ठीक है, एब्सोल्यूट होगा, स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है जी, इधर भी ऑफ करते फिर रिकॉर्डिंग में रात तक भेज दूंगा भाई आप लोगों को, ओके खुशी क्या कह रहे बेटा, दोबारा बोलना,